तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रिप्टो के बारे में, एक ऐसे टोकन के बारे में जिसकी काफ़ी हाइप बनी हुई है, जो काफ़ी ट्रेंडिंग में इस समय जो है वो चल रहा है एंड काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। दोस्तों आपको बताऊँ कि वो है लवली इनू। अब लवली इनू के बारे में सुबह मैंने एक वीडियो जो है वो डाली थी, अपलोड की थी, और जिसमें लवली इनू के बारे में उसकी जो लिस्टिंग डेट है वो मैंने आपसे शेयर करी थी, उसके होल्डर्स वगैरह शेयर किए थे। अभी कुछ और रिसेंट अपडेट आई है तो वो चीज़ें जो है आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो अपडेट है टाइम टू टाइम देना आपको बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों ने इसमें होल्डिंग्स बनाई हुई है तो उन लोगों के लिए जानना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे क्रिप्टो मार्केट में लवली इनू की जो स्थिति है, लवली इनू का जो स्टेटस है वो क्या बना हुआ है। सेकेंडली हम बात करेंगे इसकी ट्रेंडिंग की कि कहां कहां पर ये ट्रेंडिंग में जो है वो चल रहा है। तीसरा नंबर पे हम बात करेंगे वो कौन सा एक्सचेंज है जहां पर इसकी लिस्टिंग होने वाली है। दोस्तों जो हाल फिलहाल मार्केट में इसका प्राइस बना हुआ है लवली इनू का वो है 0.602398 US डॉलर। इस प्राइस पर अभी जो है वो ट्रेंड कर रहा है। और मार्केट रैंक की बात करें तो मार्केट की इसकी रैंक है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, कॉइन मार्केट कैप पे ये रैंक करता है 2823 की रैंक पर। तो यहाँ पर अगर बात करें इसके हम ऑल टाइम हाई से अभी कितने नीचे चल रहा है या ऑल टाइम लो से कितने ऊपर चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं, 24 आवर्स में जो है इसका वॉल्यूम 53% जो है वो डाउन है। एंड इसके बात करें इसके ऑल टाइम हाई से कितना जो है अभी डाउन है, ऑल टाइम हाई से अभी 61% जो है वो डाउन है। बात करें ऑल टाइम लो से कितना ऊपर है, तो ऑल टाइम लो से ये 1200% जो है ऊपर अभी बना हुआ है। तो ओवरऑल बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो ओवरऑल जो है एवरेज परफॉर्मेंस अभी दे रहा है। रिसेंट कुछ दिन पहले काफ़ी अच्छा जो है रिटर्न इसने दिया है, और जैसे ही इसकी लिस्टिंग शुरू होगी तो हो सकता है काफ़ी अच्छी हाइप इसमें देखने को मिले, अच्छा खासा पंप जो है ये करे। देन अब बात करते हैं कि कहां कहां पर ये ट्रेंड कर रहा है, किस किस प्लेटफॉर्म पर जो है ये ट्रेंडिंग में बना हुआ है। स्क्रीनशॉट आपको साइड में दिखते रहेंगे, आप उनको भी जो है पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके उनको पढ़ भी सकते हो आप। तो देखिए सबसे पहली ट्रेंडिंग की बात करें तो ट्विटर पर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है इस समय, नई नई अपडेट्स जो है वो निकल कर आ रही है। ट्विटर पर ही इसकी ये अपडेट भी आई है कि ये कौन से एक्सचेंज पर फर्स्ट जो है 30 जुलाई में ये फर्स्ट जो लिस्टिंग होगी इसकी कौन से एक्सचेंज के ऊपर होने वाली है, तो ये चीज़ें जो है वो सामने आ गई है। सेकंडली यहाँ पर जो ये शिबा इनू लवर्स है, कहीं ना कहीं वो भी जो है इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। शिबा इनू लवर्स जो है जिन्होंने शिबा इनू की होल्डिंग बनाई हुई है अच्छी खासी, लवली इनू को जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में उसको बाई कर रहे हैं, उसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको अपनी होल्डिंग्स में जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, तो जो कि अच्छी बात है। फिलहाल के टाइम पे इसको बाय करना कोई बुरी बात नहीं है। और ट्रेंडिंग सर्च की बात करें तो 4th नंबर पर रैंक कर रहा है ट्रेंडिंग सर्च के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है इसका बन रहा है मार्केट के अंदर, इसकी हाइप बन रही है, इसकी जो है पंप होने के आसार काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से एक्सचेंज के ऊपर जो है ये लिस्ट होने वाला है 30 जुलाई को, पहली लिस्टिंग इसकी किस एक्सचेंज के ऊपर होगी। तो देखिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो दोस्तों, तो यहाँ पर रोबिन हुड ने जो है एक गेम के थ्रू, पजल गेम के थ्रू जो है इसकी फर्स्ट लिस्टिंग के बारे में जो क्लियर कर दिया है कि कौन से एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्ट होने वाला है। सभी के जो आंसर है, सभी के जो कमेंट है वो साफ कर रहे हैं कि कौन सा एक्सचेंज जो है ये होने वाला है फर्स्ट लिस्टिंग में। तो जो नाम आ रहा है इसमें एक्सचेंज का वो है बाईबॉक्स। अब बाईबॉक्स एक्सचेंज क्या है ये देख सकते हो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर साइड में, कि लगभग 1 लाख यूज़र्स हैं इस एक्सचेंज के। बहुत बड़ा एक्सचेंज तो नहीं बोल सकते हैं, बट ओवरऑल कहें तो एवरेज एक्सचेंज है। और कहीं ना कहीं लिस्टिंग होने के बाद हो सकता है कि जो इसके होल्डर्स है उनकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो काफ़ी बड़ी मात्रा में, क्योंकि पहले एक्सचेंज यही है जिसके ऊपर लवली इनू जो है वो लिस्ट होने वाला है। तो आप लोगों से मैं कुछ जो है अपने व्यू जो है वो रखना चाहता हूँ। देखिए कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च ज़रूर करिएगा, एंड 10 एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा तो कहीं ना कहीं देखिए बुलिश तो देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करने का चांस ज़रूर मिलेगा। और इसके ऊपर देखिए जब तक ये लिस्ट होगा 16 तारीख या 17 तारीख तक आप लोगों को इसके ऊपर नज़र गड़ाए रखना है। उसके बीच कभी भी अगर इसमें आपको पंप देखने को मिले तो आपको तुरंत इसको सेल आउट कर देना है और प्रॉफिट बुक कर लेना है, बिकॉज वेट नहीं करना है, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड नहीं करना है। लॉन्ग टाइम होल्ड के लिए ये एक सेफ टोकन नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ।
क्योंकि मैंने भी कुछ रिसर्च की है इसके लिए। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लॉन्ग टाइम इसको होल्ड मत रखिएगा, इसको जो है जैसे प्रॉफिट मिले तो बुक कर लीजिएगा और इससे एग्जिट हो जाइएगा। तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। एंड सेकेंडली बात करेंगे, देखिए अभी बाई बॉक्स जो है इतना बड़ा एक्सचेंज नहीं है जिसके ऊपर आप किसी भी फोमो में आकर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। देखिए अपनी समझदारी के साथ इन्वेस्ट करना है, किसी के कहने से इन्वेस्ट नहीं करना है, और अपना कोई भी उधार या कोई भी कर्ज लेकर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है गाइस। जब भी लगे प्रॉफिट मिल रहा है तो उससे लेके और निकल जाइए बाहर। और बहुत सारे कॉइन है इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म में, इसको अभी आप लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो चलिए ये थी दोस्तों आज की न्यूज़। और अभी देखिए एक ही एक्सचेंज का नाम रिवील हुआ है, अभी नो एक्सचेंज और बाकी है। तो नो एक्सचेंज का नाम जब आएगा, धीरे धीरे लिस्टिंग होगी, तो पंप भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही थी आज की अपडेट, और अपडेट आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से थोड़ा सा लगता है कि हाँ वीडियो का बनाने का जो मोटिव है वो पूरा हुआ है। वीडियो को लाइक मिले हैं और चैनल को लोगों ने सब्सक्राइब किया है, यानी कि वीडियो लोगों को अच्छी लगी, तभी हमें जो है पता लगता है कि हाँ आपको वीडियो पसंद आई है। तो इसलिए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। कोई क्वायरी या कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, उसका आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय और नमस्कार।